हमने आज तक एक सेंटर देखा, सारे विश्व में इतने सेंटर देखे, एक सेंटर देखा, एक जगह पर टीचर आके खड़े, टीचर ऊपर से बोलते नहीं है, पता है लाइन में खड़े हो, कुछ नहीं बोला, टोली देने लग गए, सब भीड़ आ गए, बहन जी फटाफट उठ करके नीचे जाके खड़ी हो गई, अपने आप लाइन लग गई, है ना, बार बार माता है लाइन में आओ, लाइन में अनाउंसमेंट नहीं, बोलने से नहीं होता है, टीचर जो टोली देकर मैं दे रहा था वो खड़ी बैठी थी, छोड़ के अपने आप नीचे जाके खड़ी हो गई, चुपचाप सबके सामने, कुछ नहीं बोला किसी को, अपने आप सब लाइन खड़े हो गए, है ना, मास्टर जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, वो खड़े हो गए, एक भी आगे नहीं आए, तो ऐसे करना पड़ेगा ना, बोलने से सुनते नहीं है, छोड़ के स्टेज छोड़ के जाके खड़े हो जाओ, सामने खड़े जाओ, कोई हिम्मत नहीं करेगा टीचर को आगे करके आगे आते, तो ये कर करके दिखाना, ठीक है, तो ऐसा कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे ना, करेंगे ना, क्रोध मुक्त होंगे, वादा के एक महीना बाबा को आप चिट्ठी लिख के लेके जाना, बाबा एक महीने के क्रोध को बांध के रखना, हमारे पास भेजना नहीं, ठीक है, एक बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो, रामायण है भाई जी, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, रामायण अच्छा पढ़ा है, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको इतनी समझ में नहीं, सीता को, सीता किसी ने कहने से सीता को जंगल में छोड़ दिया है, आपकी लड़की अगर किसी ने कहा बाबूजी आपकी लड़की ठीक नहीं, आप उनको जंगल में छोड़ के आएंगे, सोच लो, अपने जीवन में लगा, कहानी लिखा बहुत कुछ है, लिखने वाले ने कुछ लिखा, आपको अगर आपकी लड़की है, किसी ने कहा बाबूजी आपकी लड़की ठीक नहीं है, आप उनको जंगल में छोड़ के आएंगे, आज पूछ लो अपने आप, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और वो किसी ने धोबी ने कहने से अपने वाइफ को सीता को जनक की पुत्री, कितने राजा जनक की, उनको जंगल में छोड़ के आएगा, सोचने की बात है, लिखने वाले ने बहुत लिखा, पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, हमें थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, तो आप सोचना ये रामायण किसने लिखा, ऐसी बात कैसी है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ऐसे कलंक लगाया, ये किसने लिखा, कौन था वो, ढूंढो, इस पे मन लगाओ, तो तब आपको समझ, पूरा रामायण पढ़ना, रामायण में सबसे पहले एक श्लोक आता है, क्या रामायण कैसे बना, सबसे पहले आप पूरी 7 volumes है, 7 किताबें है, उसके पहले एक स्टोरी का कहानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि एक साधु के एक चेला था, उसने काला काला उल्टी किया, तो उस चेले ने दूसरों को बताया, अरे उस साधु के चेले ने देखो काला काला उल्टी किया, उसने तीसरे को बताया, तीसरे को बोला काला काला, चौथे को बताया काला काला, जाके कौवा कौवा हुआ, पांचवे को उसने बोला अरे उसके पेट से कौवे निकले, तो एक निकला अरे पेट में कौवे कैसे आए, पूछता मैं, उसने उसको पूछा आपको किसने कहा, मुझे इसने कहा, उसने कहा आपको किसने कहा, मैंने कौवे नहीं कहा था, मैंने काला कहा था, सुनी सुनी बातों से रामायण बना हुआ है, तो ये कहानी शुरू में लिखते हैं महाभारत के अंदर, तुम रामायण महाभारत चित्र पढ़ना चाहिए, आधा घड़ा आवाज करता है, बाबू जी समझ में आया, आपकी बात अच्छी है, ये फिर हम आपसे अलग मिलेंगे, तो ये बताइए हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसा किसने किया, ऐसा ये किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, और किसने, तुलसी राम तुलसीदास ने लिखा, तो वो कहा था उसने तो राम को देखा ही नहीं, कैसे लिखा, तो मनुष्य ने कुछ नहीं, किसने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं, वो सही है गलत है निर्णय करने के बुद्धि दी है, तब बाबा कहता है बच्चे अपने बुद्धि से निर्णय करो,